लो दोस्तों, आ गई है वो न्यूज जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा, नैव सिंह संघे ने बहुत बार लोगों को कहा था कि भाई अनाउंसमेंट हुई है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है उस चीज पे। तो लो जी भाई, आज वो सारे डाउट क्लियर हो गए, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए लोगों के। और अब लोगों को पता चल गया होगा कि भाई इस चैनल पे हम हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही शेयर करते हैं। तो बिल्कुल जी, सही सोचा आपने। मैं बात कर रहा हूं जी स्पाउस, जो ओपन वर्क परमिट हम अप्लाई करते हैं भाई, उसकी बात कर रहा हूं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो जब यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं कनाडा में, तो भाई उनको एक मौका होता है कि भाई आप अपने पार्टनर को यहाँ पे बुला सकते हो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जी 22nd ऑफ जैन को मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई सिर्फ मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम वाले ही स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को यहाँ पे ओपन वर्क परमिट के लिए बुला सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये न्यूज तो जी इंप्लीमेंट हो गई, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बट हमने इस चैनल पे हमेशा ये कहा है कि भाई सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ उस चीज को लेके। तो मैंने कहा था कि भाई जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो जिन्होंने तो मेरी बात मान ली, अब उनको आज रियलाइज हो रहा होगा कि भाई वाकई नैव सिंह संघे ने बिल्कुल सही बात कही थी, क्योंकि आज एक बड़ी न्यूज निकल के आई है भाई कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से। हमारे मिनिस्टर साहब ने भाई बहुत धमाकेदार एक न्यूज दी है। उन्होंने बोल दिया भी इफेक्टिव फ्रॉम 19th of March 2024, अगर आपका भाई आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आपका और आपका भाई मास्टर या फिर डॉक्टर प्रोग्राम नहीं है, तो आप अपने पार्टनर को यहां पे नहीं बुला सकते हो, स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते हो। चैप्टर खत्म, किताब बंद, सब कुछ भाई उन्होंने कर दिया फाइनल, क्लियर कर दिया सब कुछ, सारे डाउट क्लियर कर दिए। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज थी भाई कि दूसरा ऑब्वियसली भाई ये पॉइंट निकल के आना ही था कि इससे पहले जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनका क्या होगा, उनका क्या वो एप्लीकेशन प्रोसेस होंगी या फिर वो भी भाई बंद है, उनका कुछ नहीं होगा। तो भाई इस चीज पे भी क्लियर है कि जो भाई 19th of March से पहले आपने एप्लीकेशन लगा के रखी हुई है वो प्रोसेस होंगी। और भाई ये मैंने बार बार इस चैनल पे कहा था कि भाई उन्होंने बोला है कि कमिंग वीक्स में ये चीज इंप्लीमेंट होगी, पर नहीं हुई थी। आज लाइक 19th of March से ये चीज इंप्लीमेंट हुई है, तो उससे पहले जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई हुई है भाई, तो आपकी एप्लीकेशन भाई प्रोसेस करेंगे वो लोग। तो दिस इज काइंड ऑफ गुड न्यूज, ये होता है भाई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेने का, ये होता है अगर आप अच्छी न्यूज देखोगे, अच्छी तरीके से भाई चीजों को फॉलो करोगे, वेरीफाई करोगे, तभी मैं कहता हूं। मैंने बहुत सारी भाई इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी, रील्स देखी, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी भाई, ठीक है, शॉर्ट्स देखे, उसमें भाई क्लियरली बोला हुआ लोगों ने कि भाई आप स्पाउस वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ये हो गया, आप अपने अपने पार्टनर को नहीं बुला पाओगे 22nd of January से, ये हो गया भाई। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था उस टाइम पे भी कि भाई गलत इंफॉर्मेशन के पास लाइक उसको फॉलो मत करो, क्योंकि ये सिर्फ लाइक अनाउंसमेंट थी, ये इंप्लीमेंटेशन की बात कहीं नहीं थी। उन्होंने बोला था इन कमिंग वीक्स, अब कमिंग को भाई 2 हफ्ते भी हो सकते थे, कमिंग को भाई 4 हफ्ते भी हो सकते थे, कमिंग को 2 महीने भी हो सकते थे। तो आज जाके भाई 19th of March से ये चीज इफेक्टिव हुई है, ये होता है भाई चीजों को अच्छे तरीके से समझना, अच्छे तरीके से फॉलो करना, ठीक है जी। तो भाई सारा अभी इन्होंने क्लियर कर दिया है, अब मुझे नहीं लगता अभी आपको किसी तरीके की इसमें कोई डाउट रहा होगा, ठीक है जी। तो भाई 19th of March से आई डोंट नो भाई इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में, डेफिनेटली करेंगे, बट अभी मुझे ये लगता है कि इंपैक्ट अच्छा खासा होगा। एक तो टेम्पररी रेजिडेंट भाई कम हो जाएंगे, डेफिनेटली भाई फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरे भाई जो होता था ना कि हाँ भाई ठीक है, इसी को एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस आप बोल सकते थे, कि भाई बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे थे कि हाँ जी भाई लड़की कहती थी मैंने आइल्स की हुई है, लड़का कहता था मेरे पास पैसा है, ठीक है जी मैं स्टूडेंट बन के चली जाती हूँ, लड़के को बुला लूंगी ओपन वर्क परमिट पे। वो चीजें अब खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सी मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम वाले ही स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को बुला पाएंगे, इंपैक्ट अच्छा खासा पड़ेगा भाई, ठीक है, दोनों चीजों को लेकर जस्ट मैच। टेम्पररी रेजिडेंट कम होंगे और जो फेक मैरिजेस या कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस
ये भी कम हो जाएंगी डेफिनेटली भाई, ठीक है। बाकी आप मुझे जरूर बताओ यार, आपको क्या लगता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, और ये सही डिसीजन लिया गया है आईआरसीटीसी वालों की तरफ से, या फिर ये कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा और लोगों को इसका फायदा नहीं होगा, स्पेशली जो कनाडा में रहते हैं उनको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा इस डिसीजन का आने वाले टाइम में, और प्लीज शेयर करो यार। एंड अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर देना भाई, शेयर भी कर देना ताकि दूसरों को भी फायदा हो जाए। और जैसे कि हम हमेशा इस चैनल पे सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो भाई आपका आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों तक भी पहुंचाओ, ठीक है। चलो भाई, जिनका जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन लगा दी है, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। एंड बाकी भाई सबको क्लैरिटी इन्होंने दे ही दी है, तो इस पे भाई हम ज्यादा बात और कर ही नहीं सकते, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। भाई को क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। बाकी भाई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय 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 बाय।